दोस्तों मैं भी क्लास को यूट्यूब पे लेके आ रही हूँ टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस। दोस्तों जो पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ वो क्वार्टर फाइनल 3 जो सुबह सुबह हुआ था मैच ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया आईएसटी के मुताबिक भी वो सुबह 9 बजे हुआ था मैच शुरू। और जो मैच हुआ था दोनों अमेरिकन के बीच में मैच हुआ था, एटीपी रैंकिंग 35 वर्सेस एटीपी रैंकिंग 89, एटीपी रैंकिंग 35 है टॉमी बॉल वर्सेस एटीपी रैंकिंग 89 है बेन शेल्टन। दोनों का मेडन क्वार्टर फाइनल था और दोनों में से जो जीतेगा वो मेडन सेमीफाइनल में जाएगा, और जीते हैं बेन शेल्टन के खिलाफ टॉमी बॉल। प्रेडिक्शन एक बार फिर से सही बैठ चुकी है, बहुत सारी प्रेडिक्शन इस बार सही बैठ गई फाइनली, लगा था 2 प्रेडिक्शन सही बैठ के तो इसलिए काफी खुशी भी है। और जो मैच जीते वो टॉमी पॉल ने बढ़िया प्रदर्शन किया, लग भी रहा था टॉमी पॉल बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और वैसा ही हुआ। बेन शेल्टन ने भी बाद में थर्ड सेट में कमबैक करने की कोशिश की बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थर्ड सेट में अच्छा प्रदर्शन भी किया बट फोर्थ सेट में फिर से टॉमी पॉल ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और उनकी सर्विस गेम ब्रेक करना शुरू कर दी। दोस्तों इसी रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ। एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि सारी अपडेट्स मिल सके आपको पोस्ट मैच से रिगार्डिंग, प्री मैच से रिगार्डिंग, अदर एक्टिविटीज से रिगार्डिंग। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया लोगों का थर्ड क्वार्टर फाइनल था और थर्ड क्वार्टर फाइनल के पहले सेट की शुरुआत काफ़ी बढ़िया रही प्लेयर्स द्वारा। दोनों प्लेयर्स अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रख रहे थे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6 तक हुआ उसके बाद आ गया टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में बढ़िया प्रदर्शन किया टॉमी पॉल ने और बेन शेल्टन को हरा दिया। ये देखा जाए काफ़ी क्लोज टाई ब्रेकर दिया इसमें 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 तक गया। उसके बाद दो बार आया दूसरे सेट पॉइंट को कन्वर्ट किया, फाइनली टॉमी पॉल ने 8-6 से टाई ब्रेकर जीता, सेट जीता 7-6 से। सेकंड सेट की बात करें तो सेकंड सेट में 1-1, 2-2 हुआ, फिर अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 3-2 किया, फिर सर्विस गेम ब्रोक की, 5-2 की अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा। उसके बाद सर्विस गेम उन्होंने अपनी होल्ड रखा, बेन शेल्टन ने 3-5 की अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 6-3 से सेकंड सेट जीते। थर्ड सेट की शुरुआत करें तो 1-1 हुआ, 2-2 हुआ, 3-3 हुआ, उसके बाद सर्विस गेम ब्रेक की, वाह जी वाह, 4-3 हुआ, फिर सर्विस गेम ब्रेक बैक की बेन शेल्टन ने, 4-4 हुआ, 5-5 हुआ, फिर 6-5 हुआ, फिर बेन शेल्टन ने सर्विस गेम ब्रेक की, सर्विंग टू स्टे इन द सेट करवाया था टॉमी पॉल, तभी उनकी सर्विस गेम ब्रेक हुई, बेन शेल्टन ने सर्विस गेम जीती और चौथे सेट तक ले गया। अब उनको चौथा सेट भी जीतना था तभी पांचवें सेट तक जा सकता था डिसाइडर में, और ऐसा नहीं हुआ, डिसाइडर में नहीं जा सका। और जैसे डिसाइडर में नहीं जा सका तो टॉमी पॉल ने बढ़िया प्रदर्शन करके चौथा सेट जीत लिया। आते ही इस बार सर्विस गेम ब्रेक कर दी थी और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखे थे, दूसरी ओर बेन शेल्टन भी अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखे थे, बट बेन शेल्टन को चाहिए था सर्विस गेम ब्रेक करना और वो नहीं कर पाए। वो ये वाला सेट जीते टॉमी पॉल बेन शेल्टन के खिलाफ और मैच जीते 3-1 से। पहला सेट जीते थे टाई ब्रेकर में, सेकंड सेट में सर्विस गेम ब्रेक की थी, थर्ड सेट में उनकी 2 बार सर्विस गेम ब्रेक हुई थी और उन्होंने खुद 1 बार सर्विस गेम ब्रेक की थी, और फोर्थ सेट में 1 बार सर्विस गेम शुरू में ही कर दी। दोस्तों हेड टू हेड टॉर्नमेंट दोनों का पहला मैच था और पहला मैच जीत चुके हैं टॉमी पॉल बेन शेल्टन से। स्टार्स को नजर डालते 20+ इसीलिए बेन शेल्टन, दूसरी ओर एसिस अंडर 10 है, डबल फॉल्ट बेन शेल्टन के 6 है, टॉमी पॉल के 3 है। देखा जाए एसिस के मुकाबले बहुत ज्यादा, इसीलिए डबल फॉल्ट ज्यादा नहीं है बेन शेल्टन ने बट एसिस बहुत ज्यादा थे तो उससे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उनके एसिस कम थे, डबल फॉल्ट भी ठीक ही थे। आते हैं मेन ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स टॉमी पॉल ने 2 आउट ऑफ 4 दो बार सेव किए, 4 बार में से 2 बार सेव करने कामयाब नहीं हुए। जो दोनों बार सेव नहीं हुआ वो हुआ थर्ड सेट में जब वो लीड कर रहे थे, इनफैक्ट सर्विस गेम ब्रेक करके तब हुआ, तो बेन शेल्टन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया उस मामले में, बट सिर्फ थर्ड सेट में ही चल पाए, बाकी सेट में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर टॉमी पॉल ने बढ़िया प्रदर्शन किया, पहले सेट में तो कोई सर्विस गेम ब्रेक नहीं कर पाया था। बेन शेल्टन ने 12 बार सर्विस गेम बचाई है, 3 बार सर्विस गेम बचाने में कामयाब नहीं हुए, और वो कब कब नहीं हुए, 8 हुए सेकंड सेट में, 8 थर्ड सेट में और 8 फोर्थ सेट में। देखा जाए प्रदर्शन बढ़िया रहा, टाई ब्रेकर उन्हें खेले क्योंकि पहला टाई ब्रेकर हारे थे। दोस्तों अब टॉमी पॉल का जो मैच होने वाला वो मैच होने रहा जो नोवाक जोकोविच वर्सेज रूबलेव के बीच में जीतेगा, और जो जीते हैं वो हमें सबसे पहले ज्यादातर लोगों को लग रहा था और वैसा ही रिजल्ट आया है, नोवाक जोकोविच जीते हैं, नोवाक जोकोविच जीत गया। तो टॉमी पॉल का नोवाक जोकोविच के साथ मैच होगा, उन दोनों के बीच में भी कोई मैच नहीं हुआ तो देखा जाए उन दोनों के बीच में भी पहला मैच होगा। क्या लगता है दोस्तों कैसा मैच होगा, आप अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।